हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं एप्पल का हलवा। तो आपको पता है जैसे कि अब एप्पल सीजन जो है ख़त्म होने वाला है, तो इससे पहले घर पे एप्पल ख़त्म हो जाए तो मैंने सोचा क्यों ना इसका हलवा बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ एप्पल। अभी मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद इनको कट कर दूँगी। इसके बाद जो मैंने एप्पल को अच्छे से वॉश कर लिया, अब मैं इसको छीलूंगी और उसके बाद इनको कट करके कद्दूकस करूंगी। अब मैं एप्पल को कट कर रही हूँ और जो साइडों में छिलका रह गया वो भी इस तरह से कट करके जो है निकल जाएगा और ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर तो मैंने अब एप्पल को कद्दूकस कर लिया है। फिर उसके बाद हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई और उसको हल्का गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। उसके बाद जो घी गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स से रोस्ट हो चुके हैं तो इसको निकाल देंगे किसी बर्तन में और इसी कढ़ाई में हम कुछ और घी ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने कद्दूकस किए थे एप्पल्स उनको। फिर यहाँ पे ले लिया है मैंने दोबारा से 1 चम्मच बड़ा घी का और इसमें ऐड करूँगी मैं अब जो कद्दूकस किए हुए एप्पल है उनको। उसके बाद जो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। तो अब हमारे एप्पल जो है अच्छे से पक चुके हैं और मेल्ट हो चुके हैं। अब ऐड करेंगे हम इसमें शुगर। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं शुगर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको तब तक घूमते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। अब हमारा हलवा जो है रेडी होने वाला है। ये एप्पल का हलवा जो खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये हेल्दी भी बहुत होता है। अब हमारा हलवा हो चुका है रेडी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं जो मैंने स्टार्टिंग में रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स उनको। आप भी एक बार ज़रूर अपने घर पे एप्पल का हलवा ज़रूर बनाइए और खाइए और सच में ये बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।